हेलो दोस्तों, नविस के फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। दोस्तों, ऐतिहासिक घटनाओं का विश्व में काफ़ी लंबा इतिहास रहा है, जिसने लोगों तक कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ी है। परंतु इतिहास की कुछ ऐसी भी घटनाएँ हैं जो हैं तो बहुत अजीब मगर सच हैं। क्या आप ऐसी घटनाओं के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आइए इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया को बनाने में लाखों ऐतिहासिक घटनाओं ने अपने अपने स्तर पर योगदान दिया है, परंतु इतिहास में कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो सच तो हैं लेकिन बहुत ही अजीब हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, इतिहास का एक ऐसा राजा जो बुद्धिमान तो था लेकिन हर कोई उसे मूर्ख समझता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत के दौरान दिल्ली सल्तनत का सबसे दिलचस्प सुल्तानों में से एक था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्सों और दक्कन पर भी विजय हासिल की थी। दोस्तों, बुद्धिमान मूर्ख के रूप में इसलिए सुल्तान को जाना जाता है क्योंकि प्रशासनिक सुधार करने के लिए वे अधिकतर योजनाएं और निर्णय सही से नहीं ले पाए थे, जैसे कि उन्होंने टोकन मुद्रा की शुरुआत की। 14वीं शताब्दी के दौरान दुनिया भर में चांदी की कमी होने के कारण उन्होंने चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर तांबा सिक्का पेश किया, जो आर्थिक अराजकता का कारण बना। दोस्तों, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र कर दी। उन्होंने नई राजधानी को ट्रांसफ़र करने के लिए विद्वानों, कवियों, संगीतकार समेत दिल्ली की पूरी आबादी को दौलताबाद शिफ्ट करने को कहा। जब तक लोग दौलताबाद पहुंचे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना मन बदल दिया और नई राजधानी छोड़ने और पुरानी राजधानी दिल्ली वापस जाने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, राजधानी ट्रांसफ़र की योजना उनकी पूरी तरह से विफल हो गई थी। दोस्तों, दूसरी घटना है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस पर हिटलर का आक्रमण की। दोस्तों, इतिहासकार एंड्रयू रॉबर्ट्स की किताब द स्टॉर्म ऑफ वार के अनुसार 1941 में हिटलर का रूस पर आक्रमण के लिए उसकी सेना आम तौर पर बीमार थी, या यह कह सकते हैं कि वहां के ठंडे वातावरण के हिसाब से तैयार नहीं थी। हिटलर के आदेश अनुसार जर्मनी ने रूस पर 22 जून 1941 में आक्रमण शुरू किया। उस समय वहां बहुत ठंड थी और जर्मनी की पुलिस ने रूस में सैनिकों को पर्याप्त ऊनी टोपी, दस्ताने, ओवरकोट जैसी वस्तुओं को नहीं पहुंचाया था। युद्ध के दौरान ठंड की वजह से खाना भी पर्याप्त समय तक नहीं पहुंच पाया था और सैनिकों को इतनी ठंड में रहने का कोई अनुभव भी नहीं था। रेजिनियाई के गांव के पास नदी क्रॉसिंग पर नियंत्रण रखने के लिए जर्मन और रूसियों के बीच रेजिनियाई की लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई का सबसे प्रमुख तत्व टैंक था। यह एक ऐसे बहादुर रूसी केवी टैंक की कहानी है जिसने पूरे दिन पूरे जर्मन डिवीजन को रोक करके रखा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह सिंगल टैंक तब तक अपने स्थान पर रहा था जब तक जर्मन सैनिक नहीं पहुंचे थे। उनके पहुंचने पर टैंक को इस्तेमाल किया गया और जर्मन की सेना आगे बढ़ने में असमर्थ रही। तो ये थी वो अजीब ऐतिहासिक घटनाएं जो सच तो हैं लेकिन बहुत अजीब भी हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर हम इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।